किड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद केएम। पिछले वीडियो में हमने देखा था हाउ टू फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिटरी कांस्टेंट्स। ओके, सो इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू फॉर्म अ पीडी बाय एलिमिनेटिंग आर्बिटरी फंक्शन। पिछले वीडियो में हम कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर रहे थे, अभी फंक्शंस को एलिमिनेट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सो द प्रॉब्लम इज z is equal to x into y plus f of x square plus y square। ओके, सो यहाँ पे फंक्शन कौन सा हुआ, ये। ओके, सो इसको एलिमिनेट करना है। तो फर्स्ट स्टेप जो लिखेंगे हम सॉल्यूशन में, वो जो इक्वेशन है हमें दिया गया वो ही लिखेंगे। ओके, सो z is equal to x y plus f of x square plus y square। ओके, सो अभी ये जो इक्वेशन है इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर वन। ओके, नाउ यहाँ पे लिखेंगे ये एन आर्बिटरी फंक्शन इज टू बी एलिमिनेटेड, मीन्स हमको ये फंक्शन जो कि आर्बिटरी फंक्शन है उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ओके, सो फर्स्ट स्टेप अभी क्या रहेंगी, इसके बाद ये जो ब्रैकेट के अंदर की टर्म है उसको सपोज करेंगे u। ओके, सो लेट x square प्लस y square इज इक्वल टू u। ओके, सो नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। ओके, सो हम डिफरेंशिएट करेंगे u को विद रिस्पेक्ट टू x। सो ux इज इक्वल टू 2x एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू y। सो क्या मिलेगा, यू वाई इज इक्वल टू 2y। ओके, नाउ अभी देखो क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने u सपोज किया। ओके, सो वन बिकम्स, मीन्स इक्वेशन नंबर वन विल बिकम z इज इक्वल टू x इंटू वाई प्लस f ऑफ u। ओके, सो अभी इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर टू। ओके, अभी हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एज वेल एज y। सो पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो यहाँ पे लिख सकते हैं आप डिफरेंशिएट क्वेश्चन नंबर टू पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। व्हाट वी विल गेट, डेल z अपॉन डेल x इज इक्वल टू यहाँ पे y। ओके, हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, y। ओके, प्लस डेल f अपॉन, अभी देखो f किसका फंक्शन है, u का, एंड u किसका फंक्शन है, x का भी है एंड y का भी है। ओके, सो हम लिखेंगे डेल f अपॉन डेल u, f इज अ फंक्शन ऑफ u इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, एंड u किसका फंक्शन है, x का। ओके, ये हो गया, एंड नाउ इट इज इक्वल टू y प्लस डेल f अपॉन डेल u को कैसे लिख सकते हैं, f डैश। ओके, एंड डेल u अपॉन डेल x को कैसे लिख सकते हैं, u सफिक्स x। ओके, नाउ अभी यू एक्स की वैल्यू हमें पता है, ये है, सो पुट अप कर देंगे 2x। ओके, सो अभी हमें पता है कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम किस से डिनोट करते हैं, p से करते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे p लिख दिया। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f डैश हियर। f डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्या निकलेंगी, p माइनस वाई अपॉन 2x। ओके, सो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर थ्री। नाउ अभी जैसे हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, वैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर टू को विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, सो अभी इक्वेशन टू को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, सो क्या मिलेगा, डेल z अपॉन डेल y, ओके, इज इक्वल टू x प्लस डेल एफ अपॉन डेल यू एंड
या डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, सो डेल यू अपॉन डेल वाई आएगा, ओके ये हो गया। अभी डेल जेड अपॉन डेल वाई को हम किससे डिनोट करते थे, क्यू से, सो क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल यू कैन बी रिटन एज एफ डैश एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इज नथिंग बट यू सफिक्स वाई, ओके। सो यहाँ पे भी एफ डैश की वैल्यू निकाल देंगे, सो एफ डैश इज इक्वल टू क्यू माइनस एक्स अपॉन यू वाई, ओके। अभी हमें यू वाई की वैल्यू पता है क्या है, टू वाई है, सो वो सब्सटीट्यूट कर देंगे, सो क्यू माइनस एक्स अपॉन टू वाई, एंड ये किसकी वैल्यू है, एफ डैश की वैल्यू है, ओके। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फोर, ओके। नाउ यू कैन सी डैट इक्वेशन नंबर थ्री एंड इक्वेशन नंबर फोर में क्या है, एफ डैश की वैल्यूज है, ओके। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज सेम, देयरफॉर राइट हैंड साइड ऑल्सो मस्ट बी सेम, ओके। सो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर देंगे, सो फ्रॉम थ्री एंड फोर हमने राइट हैंड साइड इक्वेट कर दिए, ओके। पी माइनस वाई अपॉन टू एक्स इज इक्वल टू क्यू माइनस एक्स अपॉन टू वाई, ओके। ये टू एंड टू विल गेट कैंसिल, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो y into p माइनस y इज इक्वल टू x into q माइनस x, ओके। अभी जस्ट सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो पी वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। नाउ ऑन रीअरेंजिंग दिस, देखो एक्स स्क्वायर को यहाँ पे ला लिया, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड इस टर्म को उधर लेके गए, सो क्यू एक्स माइनस पी वाई, ओके। So this is our required partial differential equation. You can see in this equation that the function f is eliminated. Okay, ये इस equation में f कहीं पे भी नहीं आ रहा है. Okay, now we'll see another example. So our second example is f of x plus y plus z, comma x square plus y square plus z square is equal to 0. Okay. सो इसमें भी हमें एलिमिनेट करना है ये फंक्शन, ओके, एंड वी हैव टू फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम दिस, ओके। सो फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगे, वैसे के वैसे लिख दिया ये इक्वेशन, ओके, एंड इसको दे दिया इक्वेशन नंबर वन, एंड सेकंड वी हैव टू राइट दैट यर एन आर्बिट्ररी फंक्शन इज टू बी एलिमिनेटेड, ओके। एंड अभी जैसे पिछले एग्जाम्पल में किया था, जो ब्रैकेट के अंदर था उसको सब्स्टिट्यूट किया था यू, यहाँ पे दो टर्म्स है ब्रैकेट के अंदर, तो एक को सपोज करेंगे u एंड दूसरे को v, ओके। सो क्या लिखेंगे, वी सब्स्टिट्यूट x प्लस वाई प्लस जेड को u सपोज किया है एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को v सपोज किया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट u एंड v विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, ओके। सो देखो अभी हमने डिफरेंशिएट किया है यू एंड वी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ओके। नाउ वी विल डिफरेंशिएट यू, देखो हमने कैसे किया, यू को पहले डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, पार्शियली। सो यू एक्स इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन, प्लस हमें पता है कि जेड इज अ फंक्शन ऑफ बोथ एक्स एंड वाई, ओके। सो डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ओके। Now differentiate this u with respect to y. So u y is equal to x ka differentiation with respect to y will be 0. Okay. And iska ho jayenga 1 plus del z upon del y. Okay. Similarly for v. So vx is equal to, yahan pe iska differentiation kya ho jayenga, 2x. Iska ban jayenga 0. And iska 2z into del z upon del x. Okay. वैसे ही वी वाई इज इक्वल टू टू वाई प्लस टू जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई, ओके। अभी हमें पता है कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स को पी से डिनोट करते हैं एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई को क्यू से डिनोट करते हैं। सो हमने वन प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स को ऐसे लिखा, वन प्लस पी, ओके। डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम पी से डिनोट करते हैं एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई को क्यू से, ओके। सिमिलरली हमने यहाँ पे वैसे ही किया है, ओके। अभी हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होंगी, देखो हमने इसको सपोज किया u, इसको सपोज किया v, सो इक्वेशन नंबर वन कैसे बन जाएगा, इक्वेशन नंबर वन विल इम्प्लाई f ऑफ u कॉमा v इज इक्वल टू जीरो, ओके। सो इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर थ्री, ओके।
Now we are going to differentiate this equation number 3 with respect to x and y respectively. Okay. So अभी हम differentiation ले रहे हैं f का with respect to x. Okay. So अभी देखो f किसका function है? U and v का. And u and v जो दोनों variables हैं वो किसके function है? X and y के. Okay. So कैसे लिखेंगे? F किसका function है पहले? U का. So del f upon del u. अभी u किसका function है? एक्स और वाई का है, लेकिन अभी हम पार्शियली कर रहे हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, सो डेल यू अपॉन डेल एक्स आएगा यहाँ पे. ओके, प्लस डेल एफ अपॉन डेल वी, क्योंकि एफ वी का भी फंक्शन है एंड वी किस पे डिपेंड करता है? एक्स पे डिपेंड करता है वो. सो डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. ओके, सो जैसे हमने अभी x के विथ रिस्पेक्ट टू में किया, वैसे ही y के विथ रिस्पेक्ट टू में करेंगे. सो क्या मिलेगा? सो ये मिलेगा डेल एफ अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल वी इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू ज़ीरो. ओके, सो अभी हमें देखो यहाँ पे क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स है. ओके, सो उसको हम कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को? डेल एफ अपॉन डेल यू को हम ऐसे लिख सकते हैं एफ सफिक्स यू एंड डेल यू अपॉन डेल एक्स को यू सफिक्स एक्स प्लस एफ सफिक्स वी एंड वी सफिक्स एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. एंड इसको कैसे लिख सकते हैं? एफ यू इंटू यू वाई प्लस एफ वी इंटू वी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो. ओके, अभी देखो एफ यू इज इक्वल टू एफ वी इज इक्वल टू क्यू ज़ीरो. ये क्यों लिखा? अभी देखो क्वेश्चन में क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो. इसका मतलब है कि एफ क्या है? ज़ीरो है. ओके, सो अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू एंड वी, सो क्या मिलेगा? ज़ीरो ही मिलेगा. ओके, सो हम लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ यू एक्स वी एक्स and u y v y is equal to 0. Okay, so now we are going to solve this determinant. Okay, so kya milega? U x into v y minus u y into v x is equal to 0. So abhi u x ki value kya hai? 1 plus p hai. So wo hi likh diya humne yahan pe u x ke jagah pe. And v y ki kya value hai? 2 y plus 2 z q. Okay, so wo hi likh diya humne. Okay, एंड वी एक्स की वैल्यू क्या है? 2x प्लस 2zp एंड यू वाई की वैल्यू है 1 प्लस क्यू. ओके, हमने जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट अप कर दी. ओके, हर एक की. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. सो देखो अभी यहाँ पे क्या किया हमने, ये वाले ब्रैकेट को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया. सो क्या मिलेगा? 2y प्लस 2zq. एंड अभी इस ब्रैकेट को हमने p के साथ मल्टीप्लाई किया. ओके, सो क्या मिलेगा? पहले इस टर्म को इसके साथ करेंगे, सो 2py मिलेगा. एंड अभी इसको इसके साथ करेंगे, सो 2zpq. ओके, नाउ माइनस साइन एज इट इज. अभी ब्रैकेट दे देंगे. अभी ये पूरे टर्म को इसके साथ करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई, सो वही टर्म मिलेंगी. प्लस इसको इसके साथ करेंगे, सो 2xq मिलेगा. एंड अभी इसको q के साथ करेंगे, सो क्या मिलेगा? 2zpq इज इक्वल टू 0. सो अभी देखो कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही है. 2zpq माइनस 2zpq विल गेट कैंसिल. ओके, रेस्ट ऑफ द टर्म्स मैंने यहाँ पे लिख दी है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टेक 2 कॉमन. एंड अभी इस टर्म को एंड इस टर्म्स में से हमने 2 कॉमन लिया, सो क्या बचेगा ब्रैकेट में? y माइनस एक्स. ओके, एंड अभी फिर से 2 कॉमन लेंगे कौन कौन सी टर्म्स में से. अभी ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म में से हमने 2q को कॉमन लिया है, बचेगा क्या ब्रैकेट में? z माइनस एक्स. एंड रेस्ट ऑफ द टर्म्स ये वाली एंड ये वाली टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2p एंड ब्रैकेट में बचेगा y माइनस z इज इक्वल टू 0. ओके, सो अभी 2 तो कॉमन है. ओके, सो 2
एंड ब्रैकेट में क्या बचेगा, वाई माइनस एक्स ओके प्लस जेड माइनस एक्स इंटू क्यू प्लस वाई माइनस जेड इंटू पी इज इक्वल टू ज़ीरो ओके। अभी टू वहाँ पे चले जाएगा राइट हैंड साइड में तो ज़ीरो ज़ीरो बन जाएगा ओके। ज़ीरो अपॉन टू इज नथिंग बट ज़ीरो, सो क्या मिलेगा, सो इट इज इक्वल टू वाई माइनस जेड इंटू पी प्लस जेड माइनस एक्स इंटू क्यू। अभी ये वाली टर्म को हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया सो कैसे बन जाएंगी, एक्स माइनस वाई ओके। सो दिस इज आर रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ओके। सो इफ यू वॉन्ट टू टेक स्क्रीन शॉट ऑफ दिस दैन यू कैन टेक इट ओके। सो फ्रेंड्स दिस वॉज ऑल अबाउट एलिमिनेटिंग द आर्बिटरी फंक्शन टू फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ओके। दूसरे जो एग्जाम्पल्स हैं एक दो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे ओके। सो फ्रेंड्स इफ यू लाइक माई वीडियो दैन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।